नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस आंदोलन पर दी प्रतिक्रिया, कहा कांग्रेस की ओर से ईडी के ऊपर दबाव डालने के लिए किया जा रहा आंदोलन। नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठे हो तो कौरवों का राज्य आएगा ही, मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। और मुखबधिर वैष्णवी ने स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई में भी मारी बाजी, टेप ओलंपिक चैंपियन वैष्णवी को 10वीं में प्राप्त हुए 79% अंक, सभी क्षेत्रों से की जा रही सराहना। विस्तार से पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस का देश में जो आंदोलन चल रहा है वह गलत है। राहुल गांधी की पूछताछ ईडी की ओर से की जा रही है, वह केंद्र सरकार नहीं करा रही बल्कि उच्च न्यायालय की ओर से की जा रही है। कांग्रेस का आंदोलन उच्च न्यायालय के विरोध में किया जाना चाहिए, ना कि केंद्र सरकार के खिलाफ किया जाना चाहिए। बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस का आंदोलन ईडी के जांच के खिलाफ ईडी के ऊपर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है, साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश को बदला जाए इसलिए किया जा रहा है। कांग्रेस का आजचा आंदोलन चुकीचं आंदोलन आहे, देशभरात ते आंदोलन करत आहे, चुकीचं आंदोलन करत आहे, कारण राहुल गांधींची जी ईडी मार्फत चौकशी सुरू आहे ती काही केंद्र सरकारच्या म्हणण्यावर नाही आहे, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आहे। आणि उच्च न्यायालयाने जेव्हा आदेश दिला त्या आदेशाने ईडी चौकशी करताय, अशा वेळी काँग्रेसचं आंदोलन हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आहे। काँग्रेसचं आंदोलन ईडीच्या तपासावर दबाव टाकण्याचं आहे। आणि मग आमचा सवाल तुमच्या समोर आहे, जर तुम्ही काही केलंच नाही आहे तर तुम्ही डरता भीता कशाला, जरा उद्या चौकशी। जर तुम्ही एकीकडे बाकी लोकांबद्दल चौकशीची मागणी करताय, तुमचा नेता त्यामध्ये जर असेल तर दिसेल बाहेर, हायकोर्टाने म्हटलं आहे ना चौकशी करा। आणि या पूर्ण जगाला माहीत आहे, देशाला माहीत आहे ना की त्या ठिकाणी इतक्या 2000 कोटीच्या वर 5000 कोटीच्या वरच्या प्रॉपर्ट्या 50-50 लाखामध्ये तुमच्या स्वतःच्या कंपन्याने विकत घेतल्या, हे जगानं पाहिलं, देशाने पाहिलं ना, मग काँग्रेस पार्टीला खुला भ्रष्टाचार करण्याची त्या ठिकाणी परमिशन दिली आहे का? आणि त्यामुळं काँग्रेस पार्टीचं आजचं आंदोलन किंवा काँग्रेस पार्टीचं राहुल गांधीच्या केसमधले आंदोलन हे ईडीच्या तपासावर दबाव टाकण्याकरता आहे, तपास यंत्रणेवर दबाव आणण्याकरता आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करणारे आहेत। उलट या आंदोलनावर कारवाई झाली पाहिजे आणि हे आंदोलन खऱ्या अर्थाने चुकीच्या पद्धतीने काँग्रेस पार्टी करत आहे आणि या भ्रष्टाचाराला दाबण्याचा प्रयत्न काँग्रेस पार्टी करत आहे। आमचा सवाल आहे, राहुल गांधींनी जर काही केलं नसेल तर त्या ठिकाणी लोकांसमोर येऊ द्यावं, तपासामध्ये जे काही येईल त्याच्यानंतर काँग्रेस पार्टी आपली प्रतिक्रिया द्यायला पाहिजे होती, पण काँग्रेस पार्टी ही जाणूनबुजून या केसमध्ये दबाव बनवत आहे। भाजपा नेता सदाभाऊ खोत के बेटे और अन्य ने भोजन बिल का भुगतान नहीं किया, इसलिए ढाबा मालिक अशोक शिंगारे ने सदाभाऊ खोत को जाने से रोक दिया। इसके बाद सदाभाऊ खोत के करीबी लोगों ने अशोक शिंगारे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसी प्रकार शिंगारे के खिलाफ राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता होने का आरोप भी लगाया गया। इस सब आरोपों पर और सदाभाऊ खोत के ऊपर उधार बिल को लेकर अशोक शिंगारे ने जानकारी दी। उनका कहना है कि पैसे नहीं देने हैं, इसलिए सदाभाऊ खोत ने राष्ट्रवादी को बीच में लाया है, लेकिन मैं राष्ट्रवादी का नहीं बल्कि किसान संघटना का कार्यकर्ता हूं। मुझे मेरे ढाबे के 67,000 रुपये बिल चाहिए। खरं तर 2014 साली माडा मतदारसंघामधून सदाभाऊ खोत उभा राहिले होते, त्यांचा मुलगा सागर खोत माझ्याकडे होते, त्यावेळा बी मी शेतकरी संघटनेचंच काम करत होतो, मी संघटनेमध्ये काम करत असल्यामुळं त्यांनी इथं आल्यानंतर मला म्हणले की आता आम्ही माडा मतदारसंघामध्ये भाऊ उभा राहणार आहेत आणि तुमचं नाव चांगलं आहे, तुम्ही आम्हाला मदत करा। मी म्हटलं ठीक आहे, मग सागर आणि आम्ही दोघं जण इथं बाजल्यावर बसलो, त्यांचा पाहुणचार वगैरे केला, मग जाता जाता त्यांनी काय म्हणले, जर माझे कोण काय कार्यकर्ते वगैरे आले तर त्यांची जेवणाची तुम्ही व्यवस्था करा, तुमचं काय असेल ते आम्ही बिल द्यायला तयार आहोत आणि आम्हाला 100% ह्याला तुम्हाला मदत करायला लागते। आमचं बोलणं चालणं व्यवस्थित झाल्यानंतर ठीक आहे म्हणले, मग त्यानंतर एक महिन्या 1.5 महिन्याने मी भाऊनला फोन म्हणजे सागरला फोन केला, माझा सागरने फोन उचलला नाही, त्यानंतर मग भाऊनला केला, भाऊनी माझा फोन उचलला। भाऊंची प्रतिक्रिया काय आली की अरे मी आज मंत्री आमदार होतो, तू माझे पी आहेत, माझा मुलगा आहे, तू मुलग्यासंग कॉन्टॅक्ट कर, तू डायरेक्ट मला कशाला फोन केला आहे, त्यानंतर मी फोन कट केला नाही, भाऊनी बी फोन कट केला,
अगोदर त्यानंतर मी फोन केला, त्यानंतर मी भवनला फोन केला नाही, त्यानंतर मी वारंवार त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनी मला काही प्रत्युत्तर फोनवरून दिलं नाही। त्यानंतर एकदा सांगोल्यामध्ये रेस्ट हाऊसला आले होते, पण मी तिथं गेलो भाऊ तिथं निघून गेले, असा प्रकार घडल्यानंतर काल मला सांगोल्यात यायचं असं त्यांनी कळल्यानंतर मी पंचायत समितीमध्ये भाऊंची गाडी अडवली। भाऊ म्हणलं तुम्ही कार्यक्रम माझं बिल तुम्ही अगोदर द्या आणि तुम्ही कार्यक्रमाला सुरुवात करा। त्यांनी काल असं उडवडी जे उत्तर दिले त्यांचे पाठिंब्याचे कार्यकर्ते असे मला बोलले की तुमची पद्धत नाही, तुमची सिस्टीम नाही। मी म्हणलं 9-9, 10-10 वर्ष मी एवढा अडचणी माझ्या जिमनी इकल्या द्या, आणि जर तुम्ही मला विचारत असला की तुमची म्हणजे पैसे बिल मागण्याची पद्धत नाही तर माझी पद्धत हीच बरोबर आहे असे मी त्यांना उत्तर दिलं। काल माननीय आमदार सदाभाऊ खोत साहेब पंचायत राज समितीच्या मीटिंग करता आलेले होते, त्या दरम्यान अशोक शिनगारे यांनी त्यांच्या हॉटेलच्या बिलाच्या संदर्भाने रस्ता अडवला अशी तक्रार आमच्याकडे भारत दशरथ चव्हाण जे त्यांच्या संघटनेचे तालुका अध्यक्ष आहेत त्यांनी दिलेली आहे। त्यावरून आमच्याकडे पोलीस स्टेशनला कलम 341 आणि 186 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि त्याचा अधिक तपास सध्या सुरू आहे। रस्ता अडवणे आणि शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण करणे अशा स्वरूपाची तक्रार प्राप्त झालेली होती, त्यावरून आपण गुन्हा दाखल केला। पुढील तपास चालू आहे, सखोल तपास सुरू आहे। जनरल विजय कुमार सिंह ने अग्निपथ स्कीम के समर्थन में कहा की लोगों की तरफ से हो रहा विरोध निरर्थक है, लोगों ने राज्य में हो रहे हिंसाचार को समझना चाहिए, अभी तक सरकार ने स्कीम के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं दी है। जनरल विजय कुमार सिंह ने अग्निपथ स्कीम को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह स्कीम अभी अभी आई है, इस पर विवाद करना गलत बात है। विरोधकों के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वो यूं ही विवादों को जन्म दे रहे हैं। विरोधकों के पास कोई और मुद्दे नहीं है इसलिए ईडी और यह मामला सामने ला रहे हैं। सैन्य कोई रोजगार का साधन नहीं है, इसमें बहुत शर्तें होती है और वही यहाँ होता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश पहले ही कह चुके हैं कि हम उन्हें राज्य में 4 साल की सेवा के बाद प्राथमिक देंगे। जो सैन्य से ट्रेन होकर 4 सालों के बाद आएंगे उनकी मानसिकता गलत नहीं होंगी और ना होनी चाहिए। राज्य में जो हिंसाचार हो रहा है वह आप समझे, अभी तक सरकार ने स्कीम के विषय में सारी बातें नहीं बताई है। इसमें कम ट्रेनिंग का कारण दिया जा रहा है लेकिन असलियत में सेना की ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती, बल्कि यूनिट में पहुंचने के बाद असली ट्रेनिंग शुरू होती है। ऐसी प्रतिक्रिया जनरल विजय कुमार सिंह ने दी। विवाद कुछ नहीं है लेकिन विवाद बनाया जा रहा है और क्योंकि विपक्ष के पास बाकी कुछ नहीं है, उधर ईडी के अंदर घेराव हो रखा है, तो लोगों का गलत चीज़ें बताकर उनको भड़का है। सर आपका आता है ये जो स्कीम है सरकार ने अभी निकाली है, अभी तो चालू ही नहीं हुई, उसमें विवाद कैसा है। दूसरी चीज़ 40 या 45 बच्चों में से एक आदमी रखू को तो बेरोजगारी की जो बात करते हो कौन सी बात है। सेना कभी रोजगार का एक वो नहीं था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रोजगार देते हैं, सेना और बाकी फोर्सेस में रोजगार मिलता है लेकिन शर्तों पर, उसके लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसके अंदर भी वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी तब जाके आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद अगर आप अच्छा करेंगे तो आप में से 25% जो है वहाँ पर रिटेन किए जाएंगे और ये जो बाकी लोग हैं उनके लिए एक अच्छा फाइनेंशियल पैकेज रखा गया ताकि उनको दिक्कत हो। साथ साथ बहुत से स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हमारा गृह मंत्रालय, इन्होंने कहा है कि जो लोग आएंगे 4 साल के बाद उनको हम प्राथमिकता पर, वरीयता पर उनको अपने फोर्सेस के अंदर लेंगे, उसमें विवाद कहाँ रहा। मुंबई में हुए हादसे को लेकर नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री को निशाना बनाते हुए प्रतिक्रिया देते हुए कहा, धृतराष्ट्र गद्दे पर बैठे हो तो कौरवों का राज्य आएगा ही, ऐसा अनुभव आज मुंबई वासी कर रहे हैं। मुंबई में हुए हादसे को लेकर नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री को सवाल करते हुए कहा, 9 जून को शास्त्री नगर में एक अवैध निर्मित इमारत गिर गई जिसकी वजह से 17 लोग मौत से लड़ रहे हैं और एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है, आप आज तक उस जगह पर गए भी नहीं है। मुंबई में 40 फीट पर निर्माण प्रतिबंधित है लेकिन अपनी वोट के लिए ये लोग मुंबई के बाहर से आए लोगों के लिए निर्माण की अनुमति दे रहे हैं, और क्या इस सब में आपकी मौन सहमति है, यह सवाल लोगों के मन में है।
एक तरफ विपक्ष को अनाधिकृत निर्माण का नोटिस भेजना तो दूसरी तरफ हमारे अपने नगर सेवक इस अनाधिकृत निर्माण की अनुमति दे रहे हैं और आप एक शब्द नहीं कह रहे हैं। आप जनता के मुख्यमंत्री हैं या कुछ राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, यह सवाल आज लोगों के मन में बैठा है। ऐसी प्रतिक्रिया आज आमदार नीतीश राणे ने दी है। मुख्यमंत्री महोदय, सिंहासनावर धृतराष्ट्र बसला असेल तर कौरवांचं मर्जीचं राज्य येतं हेच आज मुंबईकर अनुभवत आहे। 9 जूनला आपल्या निवासनाच्या हकेच्या अंतरावर असलेला शास्त्रीनगरमध्ये एक अनधिकृत इमारत ढासळली। 17 जण आज आपल्या मृत्यूशी झुंज देत आहे। एका 40 वर्षा तरुणाचा बळी गेलेला आहे। या घटनास्थळी आजपर्यंत आपण भेटी दिलेली नाही। मुंबईमध्ये 40 फुटावर बांधकाम करण्याला बंदी आहे, पण मतांच्या राजकारणासाठी मुंबई बाहेरून आलेल्या लोकांसाठी बांधकाम हे आपलेच नगरसेवक परवानगी देत आहे आणि या सगळ्याला आपली मुकसंमती आहे का हा प्रश्न आज जनतेच्या मनामध्ये आहे। एका बाजूला विरोधकांना अनधिकृत बांधकामासाठी नोटिसेस पाठवायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला आपलेच नगरसेवक या अनधिकृत बांधकामाला परवानगी देत आहे आणि आपण एक चकार शब्दही काढत नाही आहात। आपण जनतेचे मुख्यमंत्री आहात की विशिष्ट राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी नगरसेवकांचे आहात हा प्रश्न आज जनतेच्या मनामध्ये दृढ होत चाललेला आहे। पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने काँग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष शेख हुसैन के ऊपर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक, विकृत और अपमानजनक टिप्पणी करने की वजह से कार्रवाई करने की मांग की थी, पर पुलिस ने शेख हुसैन को जमानत दी। चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि पुलिस ने पॉलिटिकल दबाव में आकर ऐसी कार्रवाई की जिससे हम संतुष्ट नहीं है। न्याय के लिए चंद्रशेखर बावनकुले ने हाईकोर्ट में जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने शेख हुसैन के भाषण के समय जो विधायक मौजूद थे उन पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। मोर्चा निकाला, उस मोर्चा में माननीय शेख हुसैन, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अत्यंत निंदाजनक, गंदे प्रकार से, बहुत ही संतापजनक स्टेटमेंट किया है मोदी जी के बारे में। हमको ऐसा लगा कि पुलिस, गिट्टी गदार पुलिस, नागपुर शहर पुलिस सुमोटो उनके ऊपर गुनाह दाखिल करेगी, FIR करेगी, बट किया नहीं था। हम सारे विधायक जब गिट्टी गदार गए तो वहाँ के DCP ने कहा कि हम उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे, नियम से कार्रवाई करेंगे। PI ने कहा, हमने वहाँ पुलिस कंप्लेंट FIR की। उसके बाद जब देखा तो छोटी छोटी कलमें लगाकर उनको छोड़ दिया गया, जमानत दे दी गई। एक तरफ माननीय सुधाकर राव जी ने कहा, कृष्णा जी थे, हमारे दयाशंकर जी, हमारे संजय भेंडे जी, सबने कहा कि एक तरफ माननीय नारायण राणे जी, इनके ऊपर मुख्यमंत्री जी को स्टेटमेंट करने के बाद उनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ, उनको नॉन अवेलेबल ऑफेंस हुए, उनको कोर्ट जाना पड़ा, जमानत लेनी पड़ी। उससे 100 गुना ज़्यादा गलत शब्दों का प्रयोग शेख हुसैन ने किया है। तो ऐसे व्यक्ति को जिस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की, हमारा कहना है कि पुलिस ने पॉलिटिकल दबाव में कार्रवाई की है। हमने आज कहा कि उनके ऊपर जो कार्रवाई करना चाहिए वो 124, 153, 153B, 160, 295A, 298, 500, 505 ये गुना दाखिल होते हैं। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। बाद आप सबका फिर से स्वागत है। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के 81वें जन्मदिन के अवसर पर NCP प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की संकल्पना के साथ शरद युवा संवाद यात्रा और युवा प्रदेश अध्यक्ष महबूब भाई शेख के साथ NCP युवा कांग्रेस के माध्यम से शरद युवा संवाद यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा की शुरुआत जलगांव जिले से हुई थी। संवाद यात्रा आज खामगांव में राकांपा युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महबूब भाई शेख और राकांपा के खामगांव युवा पूर्व विधायक सभी प्रकोष्ठों के माननीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई। इस यात्रा के माध्यम से महाराष्ट्र के युवाओं को राकांपा के विचारधारा से जोड़ा जाएगा, क्योंकि राजनीति में प्रवेश करने वाले युवाओं की संख्या महत्वपूर्ण है। राजनीतिक प्रक्रिया के साथ राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के माध्यम से महाराष्ट्र में युवाओं के राष्ट्रवादी विचारों और विकासात्मक दृष्टिकोण को जीवंत करना इस यात्रा का मुख्य हेतु है, जिसके लिए युवाओं से बातचीत की जाएगी। इस शरद युवा संवाद यात्रा के माध्यम से हम युवाओं से नई ऊर्जा के साथ संवाद किया जाएगा। आदरणीय शरद पवार साहेबाच्या वाढदिवसानिमित्त पवार साहेबाचे विचार आणि केलेले काम हे महाराष्ट्रातल्या 358 तालुके आणि 27 महानगरात जाऊन युवकांना जास्त सांगावं आणि राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचं संघटन हे प्रत्येक तालुक्यात कशा पद्धतीनं काम करतं हे बघावं म्हणून आम्ही ही शरद युवा संवाद यात्रा काढली। आणि या शरद युवा संवाद यात्रेची सुरुवात आम्ही जळगाव जिल्ह्यातून केली। मागच्या उत्तर महाराष्ट्रातले 55 तालुके आणि 5 महानगर करून आता हे तिसरं पर्व आम्ही बुलढाणा जिल्ह्यात सुरू करतो आहे। माँसाहेबाच्या पावनभूमीतून या तिसऱ्या पर्वाला आम्ही सुरुवात केली आणि आज हा तिसऱ्या पर्वातला आमचा 4th दिवस आहे। आणि या माध्यमातून पवारसाहेबाचे विचार सांगणं आणि जास्तीत जास्त युवकांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत जोडणं हा या यात्रेचा प्रमुख उद्देश आहे। धुले के मूल निवासी वैष्णवी मोरे, जिसने हाल ही में ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक में भाग लिया था, 10वीं कक्षा की परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने 79% अंकों के साथ एक बार फिर सफलता हासिल की है। मुखबधिर पैदा होने वाली वैष्णवी की सभी क्षेत्रों से सराहना की जा रही है, क्योंकि उसने खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। धुले शहर की मूल रहवासी वैष्णवी ने महाराणा प्रताप विद्यालय में शिक्षण किया। वैष्णवी के पिता मछली बेचने का व्यवसाय करते हैं। माँ एक गृहिणी है और उनका परिवार गरीब होकर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में उदर निर्वाह कर रहे हैं। मुखबधिर पैदा होने वाली वैष्णवी को कक्षा 1 से 7 तक प्रोफेसर रघुनाथ केले ने वाक्श्रवण विद्यालय में पढ़ाया है। उसके बाद वह शहर के महाराणा प्रताप विद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रखते हुए कुश्ती और जूडो करते क्षेत्र में भी वैष्णवी ने उत्तम खिलाड़ी के तौर पर अपना नाम बनाया है। वैष्णवी के पिता बाला मोरे की 4 बेटियां और 1 बेटा है। धुले शहर के देवपुरा में बापूजी भंडारी गली के रहने वाली वैष्णवी ने 10वीं की परीक्षा में 79% अंक हासिल किए हैं। ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक के लिए महाराष्ट्र की 2 लड़कियों का भी चयन किया गया था, इसमें वैष्णवी भी शामिल थी। ब्राजील की ओलंपिक चैंपियन वैष्णवी की 10वीं कक्षा की परीक्षा में शानदार सफलता के लिए भी सभी स्तरों से सराहना की जा रही है। बाला परशुराम मोरे, वैष्णवी मोरे के पप्पा बोलते हैं।
वैष्णवीने जुडो गेममध्ये ऑलिम्पिक जाऊन ब्राझीलला जाऊन तिने जसं मैदान गाजवलं आणि आपल्या देशाचं नाव उंच केलं आणि तिने शाळेत पण आपला 80% क्रमांक 80% गुण दिला, तसंच सगळ्यांच्या आईवडिलांनी सर्व मुलींकडे लक्ष द्यावं, त्यांना शिकवावं आणि गेममध्ये टाकावं, त्यांना पण असंच प्रोत्साहन देऊन त्यांना पुढे पाठवावं ही माझी इच्छा आहे सर्व आईवडिलांना आणि जे शाळेचे शिक्षक शिक्षिका प्राध्यापक मॅडम अध्यक्ष उपाध्यक्ष सर्व जे शाळेत लक्ष देतात मी त्यांचा पण आभार मानतो आणि माझे दोन शब्द बोलून मी संपवतो। अबू आजमी ने प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हुए जनता की तरफ से सवाल पूछते हुए कहा, आदरणीय योगी जी अग्निपथ स्कीम के विरोध में यूपी के कितने शहरों में हिंसा हो रही है, इनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी, जनता आपसे इसका जवाब मांगेगी, कोई आसमान की ऊंचाई पर बैठा हुआ हो या फकीर इंसान हो सबके कानून एक ही है। इतना ही नहीं, मोदी जी आपने कसम खाई थी संविधान की, जरा मुझे बताइए आगे आप क्या कदम उठाएंगे, जनता इंतजार कर रही है, ऐसी प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने व्यक्त की है। आदरणीय बाबा जी योगी जी की मुश्किलें लगता बढ़ गई, अब तो लगता है मुझे अब तो बुलडोजर शायद काम पड़ जाएगा उनको, अभी तक तो बहुत बुलडोजर चलाए उन्होंने, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की शान के खिलाफ एक लीगल मांग किया जो पूरी दुनिया के मुसलमान मांग कर रहे थे कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाएगा, आज तक गिरफ्तार नहीं किया, जो सड़क पर उतरे उनको कहीं कहीं गोली मार दी गई, कहीं जेल में भेज दिया गया, उनके घर तोड़ दिए गए। योगी जी आप जरा देखिए, बलिया में ट्रेन जला दी गई, बनारस में बहुत बड़ा पथरा हुआ है, बुलंदशहर में रास्ते रोक दिए गए, गोरखपुर में मथुरा में प्रयागराज में अलीगढ़ में बसें तोड़ दी गई, इन सब पे अब तो कितने बुलडोजर चलाएंगे आप, हम इंतजार कर रहे हैं कि आपके बुलडोजर अब की संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी, आपको कितने बुलडोजर चलाएंगे जरा मुझे बताइए आप, ये जवाब जनता पूछेगी आपसे। ये देश सेकुलर है, ये देश में कानून हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग नहीं है, इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आसमान की ऊंचाई पर बैठा हुआ हो या फकीर इंसान हो सबके लिए एक ही कानून है। योगी जी आपने कसम खाई थी संविधान की, जरा मुझे बताइए आगे क्या करेंगे आप, जनता इंतजार कर रही है। नागपुर नगर निगम चुनाव 2022 के विषय में वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से नागपुर शहर में विधानसभा निहाय सत्ता संपादन के अनुसार सभाओं का आयोजन किया गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी पिछले 6 महीनों से नागपुर शहर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से विधानसभा में सभाओं का आयोजन किया जाएगा। 18 जून को 5 बजे स्थल बेजनबाग हॉल उत्तर नागपुर में सभा का आयोजन किया गया है। प्रेस कॉन्फरेंस वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर शहर तर्फे आयोजित के लिए प्रमुख कारण म्हणजे आता लवकरच महानगरपालिका नागपुर की निवडणूक इथे लागणार आहे आणि त्या माध्यमातून सर्वच पक्ष आपापली रणनीती आणि नियोजन करण्यासाठी कामाला लागले, त्याचप्रमाणे वंचित बहुजन आघाडीसुद्धा मागच्या 6 महिन्यापासून म्हणजे आपली पकड ह्या नागपूर शहरात निर्माण करण्यासाठी साई विधानसभेमध्ये संघटन बांधणी मोर्चे बांधणी सुरू आहे। साई विधानसभेचे अध्यक्ष कार्यकारिणी आणि त्यामधील प्रभाग कार्यकारिण्या बूथ कमिट्या आणि वार्ड कमिट्या ह्या आतापर्यंत वंचित बहुजन आघाडीने तयार केल्या आहेत। आता पुढच्या टप्प्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने 6 विधानसभा दक्षिण पश्चिम मध्य पूर्व उत्तर नागपूर दक्षिण नागपूर आणि पश्चिम नागपूर ह्या 6 विधानसभामध्ये मेळावे घेण्यात येणार आहे। त्या मेळाव्यामध्ये फुलेशाहू आंबेडकर विद्वत्त सभेचे संयोजक भास्कर भोजने अकोला, पूर्व विदर्भ संयोजक माजी मंत्री डॉक्टर गजबे साहेब आणि सर्व आमचे पूर्व विदर्भाचे संयोजक आहेत, विवेक खाडके आहेत, मुरली मेश्राम गुरुजी आहेत, प्रफुल्ल मानकेजी आहेत आणि सर्व नागपूर शहराचे पदाधिकारी, नागपूर शहराचे अध्यक्ष संगीताताई गोदनकर, आम्ही सर्व कामाला लागले आहोत। तर आता ह्या 18 तारखेला उत्तर नागपूरमध्ये जो एकेकाळी आमचा भीम आंबेडकर चळवळीचा बालेकिल्ला मानला जात होता तो पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी उत्तर नागपूरमध्ये उद्या सायंकाळी 5 वाजता बेजनबाग ग्राउंड इथे पक्षाच्या वतीने मेळावा आयोजित करण्यात आलेला आहे। त्या मेळाव्यामध्ये आमचे सर्व प्रमुख मार्गदर्शक
मार्गदर्शन करतील। तो बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।